नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज के बुलेटिन की पहली खबर में देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के दौरान क्या कहा। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नए युग के लिए नई शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, मुश्किल की घड़ी में आध्यात्मिक शिक्षा से मिलता है बल। ब्रह्म कुमारीज के शिक्षा प्रभाग का आयोजन, लॉकडाउन के कारण हो रहा है वेबिनार। कोरोना प्रभावितों की सहायता के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान का प्रयास, केरल के एर्नाकुलम सेवा केंद्र की ओर से जिला प्रशासन को 5 लाख का दिया गया योगदान, जरूरतमंदों की सेवा करने का भी आह्वान। जम्मू में 1000 लोगों को भोजन के साथ जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करा रहा संस्थान। और गोरखपुर और गन्नौर में कोरोना वीर सफाई कर्मियों का सम्मान, राजयोग ध्यान के साथ दिया आर्थिक सहयोग। कहते हैं परिस्थिति जितनी बड़ी हो तो उससे मिलने वाली शिक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। और आज जब पूरा देश संकट के इस दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में लोगों का कहीं ना कहीं से आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ा है, क्योंकि लोगों को इस संकट की घड़ी में तनाव मुक्त रहने के लिए आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी नए युग के लिए नई शिक्षा विषय पर ब्रह्म कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में ये स्वीकार किया कि मुश्किल की घड़ी में आध्यात्मिक शिक्षा से ही बल मिल सकता है। वो शिक्षा जो संस्कार दे, वो शिक्षा जो विचार दे, वो शिक्षा जो मानव को मानव बनाने की उस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे, वो है शिक्षा। उन्होंने कहा कि आज ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिसमें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हों, जीवन मूल्य भी हों और संस्कृति भी हो। जब विचारों का की प्रखरता खत्म हो जाए और स्वार्थों की बाढ़ आ जाए तो फिर प्रकृति के साथ समन्वय होने का कोई विषय नहीं है। और ये सब कराता है आदमी का जीवन मूल्य, उसके संस्कार, उसके विचार। वहीं संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वय, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, उपाध्यक्ष बीके शीलू ने भी जीवन में सुख शांति के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का होना जरूरी बताया। वर्तमान समय की पुकार है जीवन में दुख, अशांति, भय, निराशा इत्यादि को दूर करने के लिए शिक्षा के संस्थाओं में आध्यात्मिक और मूल्य शिक्षा को बढ़ाया जाए। जब ये नई एजुकेशन जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, इसको हम अपने पार्ट जीवन का हिस्सा बना लेंगे और इसके फलस्वरूप हमारी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव बन जाती है। एजुकेशन के माध्यम द्वारा मनुष्य को एक तो भयमुक्त करे और पॉल्यूशन फ्री करे, मेंटल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिसीज फ्री मेंटल फिजिकल एंड एनवायरमेंटल डिसीज फ्री सोसाइटी बनाए। शांति कोई वस्तु में नहीं है, शांति कोई स्थान पर नहीं है, शांति किसी के द्वारा नहीं मिलती, शांति तो ये मन की स्थिति है। वेबिनार के दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने फेसिंग चैलेंजेस विद विजडम एंड स्ट्रेंथ विषय पर बात की और कहा कि हमें हमेशा सिखाया गया कि सुख सुविधाएं कैसे बढ़ाएं, लेकिन इसका अभ्यास नहीं कराया गया कि हम अपने परिवार के साथ, स्वयं के साथ समय कैसे बिताएं, जबकि नए दौर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज के सेमिनार में जब हम बात कर रहे हैं कि नए दौर में नई शिक्षा पर नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा जरूर करें कि जो बात हम अक्सर अपनी बातों में कहते रहे हैं, जिस बात पर जोर देते रहे हैं, लेकिन कभी उसको इतने शिद्दत के साथ शिक्षा में अमल में नहीं लाया गया कि
हम परिवार के साथ अच्छे से जीने वाले व्यक्ति कैसे बनाएं, हम समाज में अच्छे से जीने वाले व्यक्ति कैसे बनाएं, हम देश में एक देशभक्त नागरिक जो देश से प्यार करे, खाली देश के लोगों से नहीं या देश की धरती से नहीं, सबसे प्यार कर सके, ऐसे लोग कैसे तैयार करें, इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ेगी। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पूरे संबोधन के दौरान इसी बात पर जोर दिया कि अब शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेश की आवश्यकता है। इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में लगभग 8 लाख बच्चों को कराई जा रही हैप्पीनेस कैरिकुलम की भी जानकारी दी। लोग घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी तनाव है। इसका अभ्यास नहीं कराया गया कि कभी हमारे पास समय हुआ तो हम क्या करेंगे, कभी हमारे पास में समय हुआ कि हम अपने पास बैठेंगे, खुद के पास बैठ सकें उसका अभ्यास नहीं है, अपने परिवार के पास बैठ सकें उसका अभ्यास नहीं है, अपने समाज के साथ ऐसे दौर में कैसे हम समाज के साथ आगे बढ़ें इसका अभ्यास नहीं है। नए दौर की एजुकेशन में इसका अभ्यास कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वहीं UGC के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, NCERT के सचिव मेजर हर्ष कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने भी जीवन में ज्ञान, ध्यान और मूल्य शिक्षा को धारण करना जरूरी बताया। तो जो ई लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, वेबिनार्स हैं, इन कॉन्फ्रेंसेस हैं, इसमें भी वृद्धि हुई है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारे अंदर जो कुछ भी ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, विवेक है, उसको हम बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। शिक्षा युगानुकूल तो होनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षा के मूल तत्व हैं और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, उस चीज़ को हमें ना तो भूलना चाहिए, ना ही अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको भुलाने देना चाहिए। जैसे जैसे देश व दुनिया में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मदद का सिलसिला भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो हाल ही में केरल के एर्नाकुलम और थ्रीसूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने जिलाधिकारी IS सुहास को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख का चेक दिया तथा सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का आह्वान किया। बीके राधा ने जिलाधिकारी को सेवा केंद्र द्वारा दिए जा रहे अन्य सहयोग की भी जानकारी दी। आगे जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र के द्वारा भी 1000 परिवारों को चावल, दाल, आटा, चीनी समेत अनेक राशन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके रविंदर ने पूर्व BJP राज्य अध्यक्ष और मंत्री सत शर्मा की उपस्थिति में कई गरीबों को संबोधित किया और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि ये सभी खाद्य सामग्रियां शिव बाबा के भंडारे से आपको मिल रही हैं, इसलिए आप सभी परमात्मा की याद में भोजन स्वीकार करें। इस दौरान पूर्व BJP राज्य अध्यक्ष और मंत्री सत शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा हमेशा सहयोग मिलता रहता है और हाल ही में PM केयर्स फंड में 1,51,000 रुपए की धनराशि का भी योगदान दिया था। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर अक्षय शर्मा, जम्मू वेस्ट में BJP के महासचिव करण शर्मा, BJP के कार्यकारी सदस्य रवि बख्शी समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। अंत में बीके रविंदर ने बताया कि यह राशन वितरण का कार्य 15 दिनों तक चलता रहेगा ताकि जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सके। संकट के इस घड़ी में युवाओं को अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। समाज में इसी संदेश को पहुंचाने के लिए भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके डॉक्टर रीना के द्वारा युवाओं के लिए वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अतिरिक्त महानिदेशक हेमराज सूर्यवंशी समेत शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुए। बीके रीना ने सभी युवाओं को खान पान और विचारों के शुद्धिकरण, सरकार के निर्धारित गाइडलाइंस का पूर्णतया पालन करना और कराना तथा सोशल मीडिया के समझदारी से प्रयोग करने की सलाह दी। तो वहीं हेमराज सूर्यवंशी ने कहा कि युवाओं को इस समय परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने में बैलेंस की मिसाल प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि ये प्रोग्राम आपने युवा भाई बहनों के लिए जो किया है, ये बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही प्रेरणादायक है।
दुनिया में यदि कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो है मन की शांति, जिसकी तलाश आज हर किसी को है। और वर्तमान में दुनिया की जो स्थिति है, ऐसे समय पर इस विषय का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इसकी ज़रूरत को समझते हुए एक्टर और एंकर राजीव भारद्वाज ने इंस्टा लाइव के जरिए मलाड के फ्लैमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा से लोगों को शांति को डिफाइन करने का आग्रह किया, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए। लगभग एक घंटे तक हुए कन्वर्सेशन के दौरान बीके निर्जा ने उदाहरण के साथ शांति को परिभाषित भी किया तथा शांति को महसूस करने के लिए राजयोग का सुंदर अभ्यास कराया। वहीं मदद की कड़ी में आगे बढ़ें तो त्रिपुरा में अगरतला के अरेलिया सेवा केंद्र के द्वारा राशन व खाद्य सामग्री वितरित कर गरीब लोगों की मदद का प्रयास किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता के निर्देशन में कम से कम 25 परिवार यानी लगभग 120 लोगों को भोजन व राशन सामग्री वितरित की गई। और इस संकट के समय खुद को परिस्थितियों से उबरने के लिए हमेशा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कई अन्य बीके सदस्य भी उपस्थित रहे। आगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सेवा केंद्र के द्वारा कोरोना महामारी से डटकर मुकाबला कर रहे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ का सम्मान करने हेतु क्षेत्रीय अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस एवं सिक्योरिटी स्टाफ को सम्मानित किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने सभी को शांति की शक्ति से अवगत कराया और राजयोग का अभ्यास कराया। बीके किरण ने बताया कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को परमात्मा शिव की याद में रहकर कैसे बढ़ाया जा सकता है। 3 दिनों तक बीके बहनों ने सभी चिकित्सक, नर्सेस व सिक्योरिटी स्टाफ को संबोधित किया और उनका मनोबल बढ़ाया, जिसकी सीएमओ ने जमकर सराहना की। ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, इसके द्वारा जो एक संदेश होता है, जो परमात्मा जी का जो संदेश है, परम पिता परमात्मा जी का जो संदेश है, वो इन्होंने दिया। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो इन्होंने 3 मिनट का एक मेडिटेशन भी करवाया, अपने आप में ये बड़ा अच्छा सा सभी लोगों में फीलिंग आई है। हिमाचल प्रदेश के भुंतर सेवा केंद्र के द्वारा तेगू बेहड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर सपना व अन्य कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भुंतर थाने में मास्क व सैनिटाइजर दिए गए, जिसके चलते बीके नीरू ने SHO नागदेव ठाकुर को थाने के सभी जवानों के लिए 1000 मास्क व सैनिटाइजर दिया तथा पुलिस जवानों को मेडिटेशन का महत्व समझाते हुए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट इसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। अंत में नागदेव ठाकुर ने इसके लिए संस्था के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। यूपी की बात करें तो गोरखपुर के हुमायूंपुर सेवा केंद्र पर इस चुनौतीपूर्ण और विषम परिस्थितियों में वार्ड संख्या 11 के सभी सफाई कर्मियों को समाज सेवा में जी जान से जुटे रहने और आम जन को सुरक्षा का एहसास दिलाने के कारण सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने उन्हें भोजन वितरित किया। इसके साथ ही वार्ड के सभी सभासदों का भी सम्मान किया गया, जिसमें सभासद राधेश्याम रावत और पूर्व पार्षद रंजुला रावत, बीके कंचन, बीके नीरू समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। इसी कड़ी में हरियाणा के गन्नौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने विधायक निर्मल चौधरी से मुलाकात की। लोगों के जरूरत की चीजों की मदद के साथ 51,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी, जिसके बाद विधायक ने संस्थान द्वारा समय प्रति समय मिलने वाले सहयोग के लिए आभार माना। ब्रह्म कुमारी संस्था जो है, ये हमेशा ही जो है लोगों को बुराइयों से दूर और अच्छाइयों की ओर लेके जाती है, और इसमें जो दीदी मैसेज देती हैं गांव-गांव जाके, वो काबिले तारीफ है। और मैं तो समाज सेवा के तहत जब भी गांव-गांव जाती थी तो मैंने हर गांव में जो महिलाएं जुड़ी देखी और उनका व्यवहार देखा, फिर उनके परिवार वालों से भी पूछा, तो वो परिवार वाले भी खुश हैं उनके कि उन लोगों में बहुत चेंज आया है उन संस्थाओं से जुड़ के। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।